हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानकारी चैनल। लॉकडाउन का टाइम है और लॉकडाउन पर हम ज़्यादातर चीज़ें घर में बनाना पसंद कर रहे हैं, तो आज मैं बनाना सिखा रही हूँ जलेबी। जलेबी बनाने के लिए मैंने एक कप ये मैदा लिया है और ये मैदा मैं किसी और बड़े बर्तन में डाल लेती हूँ। और ये एक कप ही मैंने पानी लिया है, ये पानी इसमें ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये मिक्सचर बना लेंगे इसका हम। ये पानी भी मैंने ऐड कर दिया। और फ्रेंड्स, ये मैदा और पानी को हमें 10 मिनट तक बहुत अच्छे से फेंटना है ताकि ये बिल्कुल एक स्मूथ बैटर बनके तैयार हो। आप देख सकते हैं हमने 10 मिनट तक इसको अच्छे से फेंट लिया है और फेंटने के बाद आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना स्मूथ बैटर बनके ये रेडी हुआ है, जैसा हमें जलेबी बनाने के लिए चाहिए। सेम वैसा ही बैटर ये रेडी हो गया है। ये बैटर हमारा रेडी हो गया है, इसको ओवरनाइट हम ढक कर रख देंगे। और ये देखिए, नेक्स्ट डे जो ये बैटर है ये इस तरह से हो गया है, जैसे फर्मेंटेशन इसमें हो चुकी है, जैसे बबल्स दिखाई दे रहे हैं। तो मीन्स इसका खमीर जो है वो निकल गया है, जो हमें जलेबी बनाने के लिए चाहिए। ये काफ़ी पतला अभी लग रहा है देखिए, तो इसमें मैं 2 स्पून मैदा और ऐड कर लेती हूँ। ये मैदा इसलिए ऐड कर रही हूँ मैं क्योंकि थोड़ा सा हमें जलेबी बनाने के लिए इससे हार्ड बैटर चाहिए, थिक चाहिए थोड़ा सा इससे। ये अच्छे से मिला दिया है और अब ये देखिए, अब ये इस तरह का बैटर जो है पहले से थिक जो है बैटर हो गया है ये। और इसे हम एक बॉटल में भर लेंगे। ये बॉटल है जो सॉस की बॉटल होती है, नॉर्मली सभी घरों में अवेलेबल होती है। ये बॉटल मैंने इसलिए ली है क्योंकि इसके ढक्कन पर एक ये होल होता है जिससे हमें जलेबी बनाने में हेल्प मिलेगी। तो ये मैं बॉटल में डाल लेती हूँ। ये देखिए, बैटर मैंने बॉटल में डाल लिया है और इसका ढक्कन लगा देंगे हम अच्छे टाइट करके, काफ़ी टाइट इसका ढक्कन लगाना है। साथ साथ हम ये चाशनी बनाने के लिए रख लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने एक कप जो है चीनी ली है और एक कप ही पानी लिया है, यानी इक्वल क्वांटिटी में ली है दोनों चीज़ें। जब हम चाशनी बनाते हैं तो इसको लगातार हिलाते रहना है इस तरह से, ताकि नीचे लगे ना चाशनी। ये चाशनी हमें एक तार की बनानी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है हमें। फ्रेंड्स देखिए, मैंने ऑयल कढ़ाई में डाल लिया है गरम करने के लिए और अभी ये ऑयल गरम हो रहा है। इसको बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, मीडियम हाई फ्लेम रखना है हमें, जो मीडियम हाई हीटिंग होती है इतना रखना है। और ऑयल गरम करने के साथ साथ हम जो है, हमें बीच बीच में जो हमारी चाशनी है उसको भी चेक कर लेते हैं हम। तो ये देखिए, चाशनी हमारी बहुत अच्छे से बॉयल हो रही है और ऑलमोस्ट ये तैयार होने वाली है। अब हम जलेबी बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हम इसको घुमाएंगे धीरे धीरे हल्के हाथ से, और स्टार्टिंग में हमें शेप बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल सही शेप आपकी बनने लगेगी। और हम इसको पलटते रहेंगे जलेबी को, इसे बहुत ज़्यादा हमें डार्क कलर नहीं देना है, गोल्डन कलर रखना है इसका, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ये जल जाती है तो टेस्ट अच्छा नहीं आता है इसका। तो इस तरह से हम पलटते रहेंगे। ये देखिए, बहुत जल्दी जल्दी हमें इसे पलटना होगा क्योंकि हमें सिर्फ गोल्डन कलर चाहिए जैसे मैंने बताया। और साथ में जो हमने अपनी चाशनी बनने के लिए रखी है उसको चेक कर लेते हैं। चाशनी बिल्कुल रेडी है और हमारी जलेबी भी रेडी है, गोल्डन कलर हो चुका है इसका बिल्कुल इस तरह से। देखिए, हम जलेबी की क्रिस्पीनेस देख लेते हैं। ये देखिए, आवाज़ से ही पता लग रहा है कितनी क्रिस्पी ये जलेबी बन के तैयार हुई है। अब हम अपनी जलेबी चाशनी में डाल देंगे। ये पूरी तरह से हमें चाशनी में डिप करनी है जलेबी, और हम उतनी ही जलेबी इसमें डालेंगे जितनी पूरी तरह से इसमें डिप हो जाए। तो ये देखिए, पूरी तरह से डिप करना है हमें इसको और इस तरह से पलटते रहना है जब तक अंदर तक इसमें चाशनी ना चली जाए। ये देखिए, अब हम 4-5 मिनट रखने के बाद अपनी जलेबी निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी जलेबी बनकर तैयार है।
बिल्कुल गोल्डन कलर आया है इसका। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें।